भले बुरे की पहचान कराए, सही दिशा का ज्ञान कराए, जीवन को हमारे सुखमय बनाए। ज्ञान व मनोरंजन से भरपूर है हमारी जातक कथाएं। सुनो 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 प्रिय श्रोतागण, आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक जातक कथा, बुद्धि बढ़िया बन। बहुत पुरानी बात है, एक बड़े जंगल में रहता था बंदरों का झुंड। झुंड का राजा था बुद्धिमान। एक दिन बंदर राजा ने सभा बुलाई और कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात, इस जंगल में है ताजे पानी का तालाब, रहता है उसमें एक राक्षस जो पानी पीने जाता लौट नहीं पाता। सभी ने हामी भरी, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बुद्धिमान राजा जो कहता है उसी में उनका भला है। कुछ दिन के बाद जानते हो क्या हुआ? हफ्ते हफ्ते एक छोटा बंदर अपने माता पिता से बोला, मुझे प्यास लगी है, पानी दो माँ। चलो चलो, माँ ने कहा, आओ तालाब से पानी पिलाओ। लेकिन पिता ने एकदम टोका, नहीं नहीं, राजा ने क्या कहा था बंदर या रानी, उसमें एक राक्षस रहता है, खा जाएगा हमारे बच्चे को, जरा सब्र करो, चलो राजा से पूछें। महाराज महाराज मदद करें, बच्चा प्यासा है, हाँफ रहा है, तालाब से पानी पिलाना ही पड़ेगा। बुद्धिमान राजा ने आग देखा ना तब लगाइए छलांग। पहुंचा तालाब के पास और कहा, देखो सभी जानवरों के पैरों के निशान तालाब की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु लौटने के नहीं। ऐसा क्यों? राजा बोला, अरे वह दुष्ट राक्षस सभी को तालाब में ही निगल जाता है ना। जानते हो ना बुद्धि बढ़िया बल, हम तो तालाब में बिना घुसे ही शीतल जल पिएंगे। राजा ने सभी से कहा कि वे कुछ बांस ले आए, सभी ने मिलकर आनन फानन में बस एकत्रित कर लिए। लेकिन वे हैरान थे, बंदर राजा ने जल्दी से उन खोखले बांसों को जोड़कर एक लंबी नली बनाई और पानी में डाल दी। अरे ये तो कमाल हो गया, मुख की हवा से पानी बाहर आने लगा, सभी ने शीतल जल जी भर कर पिया। कितना बुद्धिमान और सूझबूझ वाला है हमारा राजा, हमें भी ऐसे ही बुद्धिमान बनना है। तो खत्म हुई यह जातक कहानी, आज हमने यह बात है मानी, बुद्धि बल का सदुपयोग करेंगे, जीवन में हम आगे बढ़ेंगे।